press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओडिशा के बोलांगीर में शादी में मिले एक तोहफे को खोलते समय विस्फोट हो गया। इसमें नवविवाहित युवक और उसकी दादी की मौत हो गई, जबकि युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। नवविवाहिता जोड़े की शादी के रिसेप्शन में किसी अनजान शख्स ने यह तोहफा दिया था। घर पर जैसे ही इस तोहफे को खोला गया, उसमें धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक परिवार को किसी ने गिफ्ट की पैकिंग में बम दे दिया था। बताया जा रहा है कि गिफ्ट पर रायपुर लिखा हुआ था। पाटनगढ़ में रहने वाले सौम्य शेखर साहू की शादी बौद्ध जिले की रीमा साहू से हुई थी। नवविवाहित जोड़े को उनके रिसेप्शन में किसी अनजान शख्स ने गिफ्ट दिया। सौम्य ने तोहफे को घर ले जाकर दादी के कमरे में खोला तो उसमें धमाका हो गया। जिस वक्त हादसा हुआ, उस दौरान सौम्य के पिता बेटी के पास दिल्ली गए हुए थे। सौम्य की माँ भी उस वक्त घर पर नहीं थी, वे कॉलेज में प्रिंसिपल है। धमाका होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। सौम्य, उसकी दादी और पत्नी रीमा को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान ही दादी की मौत हो गई। हालत गंभीर होने पर सौम्य को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी भी रास्ते में मौत हो गई, जबकि रीमा की हालत गंभीर है। पुलिस ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शादी से चिढ़े किसी शख्स ने जानबूझकर उपहार की शक्ल में यह बम दिया होगा। इसके चलते यह हादसा सामने आया।